इस वीडियो में बताने वाले हैं पीएम किसान का स्टेटस आपको कैसे चेक करना है बहुत लोग का जो कि कॉमेंट आता है कि हमारा जो कि सब कुछ डाटा सही है लैंड सीडिंग में यश है आपको आधार सीडिंग में यश है और ई के वाई सी भी यश है तब तो भी जो कि हमारा पैसा कहीं नहीं आता है इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं यह जानकारी इस बात को मैं गारंटी बोलता हूं कोई आपको नहीं बताया होगा कि कैसे जो कि आपको चेक करना होगा आपको पता कैसे चल जाएगा कि इस किसान में जो कि क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते इनको पैसा नहीं आ रहा है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गूगल में आ जाना है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है सरकारी डोट डॉट कॉम उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाला सेक्शन इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे लिखेगा पीएम किसान स्टेटस उसके बाद सर्च बटन में इस पर क्लिक करिएगा ये वाला जो की आ जाएगा पीएम किसान स्टेटस इस पर आपको क्लिक कर लेना है इसमें सब कुछ आपको बताया गया है और यहाँ पे देखिए पी एम स्टेटस लिखा गया क्लिक है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर स्टेशन नंबर आपको डालना है अगर आपको पता है तो अगर नहीं पता है तो नो ये स्टेशन नंबर लिखेगा इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर या आपको आधार कार्ड का नंबर तो आधार कार्ड का नंबर डालिएगा तो जो आपको आधार कार्ड में नंबर जुड़ा होगा ना उसी पर आपको ओ जाएगा तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिएगा केपच्चर को आपको यहाँ पर डालकर गेट ओ पर क्लिक करना है आपके मोबाइल पर ओ चला जाएगा और उसको जो कि ओ को यहाँ पर सबमिट करेंगे अब आपका जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको क्या करना है यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है और नीचे में आना है और यहाँ पे लिखा गए पीएम के किसान स्टेटस चेक फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको किए थे ना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है एक कैप्चा को यहाँ पे लिखकर गेट टू पर क्लिक करना है और जो आपको इस पीएम किसान योजना में नंबर आप दिए थे जो के वाई सी कराते वक्त या जैसे भी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उस पर ओ टी पी जाएगा उस ओ टी पी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा तब तो जाकर ये वाला डिटेल्स खुल के आएगा तो यहाँ पे आपको देखिए सारा चीज़ आपके ऊपर में सही देखने को आएगा और यहाँ पे देखिए इनका जो कि ये पैसा आया हुआ है तकरीबन देखिए यहाँ पर दसवा किस तीन को आया हुआ है एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ क्या कि ये जो कि ये बात सबको ये आपको नहीं बताएगा और बहुत सारे जो कि आपके दुकान पर कस्टमर आते हैं और आपका भी जो कि दिमाग खा जाएंगे बोलेंगे कि मेरा सब कुछ ठीक है मेरा पैसा नहीं आता है तो आपको बीमारी इसको कैसे पकड़ना है तो यहाँ पे देखिए पांचवा भी किस्त इनका देखिएगा तो आपको आया हुआ है नीचे में हम करते हैं तो देखिए पांचवा किस्त भी इनको आया हुआ है अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं ग्यारहवा किस्त दसवा किस्त तो आ ही चुका है ऊपर में सब कुछ आया है और ग्यारहवा किस्त पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखिए इनके ग्यारहवा किस्त जो कि ये पैसे नहीं आया हुआ है ये जो कि आप ध्यान से देखिएगा ग्यारहवा किस्त के बाद कोई भी इनका पैसा नहीं हुआ है इसमें बारहवा किस्त तेरहवा किस्त जो किस्तों का मैं इसमें कर देता हूँ वो भी देखिए यहाँ पर भी आपको नहीं आया हुआ है तो देखिए जब इनका दसवा किस्त आया था उसका डेट तारीख आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर पा दसवा पर हम क्लिक करते हैं देखिए इकतीस पांच दो हजार बाईस का इनका जो कि लास्ट पैसा आया हुआ है ठीक है अब ये याद रखिएगा अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देखिएगा इस पर क्लिक करके तो भैया इनका सब कुछ सही है लैंड सीडिंग भी सही है और ई के भी ये करा रखा है आदमी और इनका आधार सीडिंग भी सही है और ये आदमी पूरा घूम रहा है कि मेरा जो कि आधार सीडिंग नहीं है हमारा जो कि पैसा नहीं आ रहा है अब भैया जब हम खुद ब खुद चेक किए तो हमको समझ में आया कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी पैसा इसका किसान का क्यों नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ये आदमी जो कि है थोड़ा सा हमारे को झूठ बोला लेकिन इस आदमी को ना खुद ब खुद पाता नहीं था हम जो कि कितना तक कि झूठ बोलते हैं तो सब कुछ सही है बोलते हैं सब कुछ सही है हम सब जगह हम चेक करा लिए हैं लेकिन भैया यहां पर जो हम डेट तारीख आपको दिखाए हैं ना नीचा में इकतीस पांच दो हजार बाईस अब क्या करिए इनका आधार सीडिंग का डेट आप चेक करिए इनका आधार सीडिंग का डेट कब हुआ है तो देखिए इनका आधार सीडिंग का डेट हम चेक किए हुए हैं देखिए जिस प्रकार से आप भी चेक करिएगा तो यहाँ पे देखिए लिख आएगा आधार नंबर जो नंबर क्लास का, का नंबर दिखाएगा स्टेट एग बैंकिंग है ये भी आपको स्टेट बैंकिंग जो की है देखिएगा स्टेट बैंकिंग को दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए बैंक सीडिंग भी एक्टिव है पर भी आपको बैंक सीडिंग भी एक्टिव दिखा रहा है लेकिन भैया देखिए लास्ट अपडेट जो है ना इनका जो सीडेड हुआ है वो तेरह बारह दो को हुआ है तब तो जाहिर सी बात है कि यह जो कि अपडेट आपको बारावा महीना में तेरह तारीख का हुआ 2023 को और जो इनका पैसा जो आपको आया हुआ है लास्ट में इकतीस पाँच दो को तो इतना तक के बीच में इनका आधार सेडिंग टूट गया था भैया समझ गए बात इसी के चलते इनका जो कि है बड़ावा तेरहवा और चौदह हुआ किस्त जो कि इनको नहीं आया हुआ है तो इस प्रकार से कोई भी कस्टमर आपको ज़्यादा परेशान करे या खुद ब खुद आप पूरा कन्फ्यूजन में होंगे कि भैया हमको सब कुछ सही होता है तब तो हमारा पैसा कहाँ नहीं आता है इस बात को समझ सकते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी यही जो कि कारण है जो बीच में इनका आधार सीडिंग टूट गया था ये बैंक में जो कि मिलकर ई के भी करा कर अपना जो कि आधार लिंक भी करा लिए हैं लेकिन ये बात हमसे नहीं बता रहे हैं लेकिन हम पूछे तब तो जाकर बोले कि हम बैंक में तो गए थे लेकिन मेरा जो कि आधार सीडिंग हुआ है कि नहीं हमको नहीं पता है और देखिए हम चेक रहा है तो हम आधार सीडिंग सब कुछ सही है तो इस प्रकार से कोई भी कस्टमर आपके पास आता है या खुद ब खुद अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिएगा तो इन्हें आप आपको समझ में आ जाएगा कि कि लास्ट जो इनको पैसा आया था इस प्रकार से इक्कीस पांच दो हजार बारह को और लास्ट जो कि इनका जो कि आपका आधार सीडी रहे तेरह बारह दो हजार तेईस को हुआ है तो बीच में इनका आधार सीडी का लिंक टूटा हुआ था अब कभी भी पीएम किसान योजना का पैसा डलेगा तीस भी किसान का जो कि पैसा आएगा हंड्रेड टेन परसेंट उसका सोलहवीं किस्त हो या बारहवीं किस्त हो जिस प्रकार से और जो पेंडिंग पैसा है ना जो इनका नहीं आया हुआ है जो एन पी सी आई डी बी टी सी डेड के चलते वो भी पैसा उनको खाते में दिया जाएगा जैसे आपको पंद्रहवीं किस्त आया था बकाया सभी किसान का पैसा आ चुका है जो मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताया भी हूँ तो इस प्रकार से सभी किसानों को पैसा आएगा इंस्टॉलमेंट जिस प्रकार से सोलहवीं किस्त होगा अगर इसमें लैंड सीडिंग यस ई के वाई सी यश और आधार सीडिंग भी यस होता है जैसे आपको लैंड सीडिंग में नो होता है तो अपने अंचल अच्छा अधिकारी से मिलकर यश करा सकते हैं आधार सीडिंग में आपको प्रॉब्लम होता है तो एन का तो आपको बैंक से मिलकर करा सकते हैं ई के खुद से भी आप कर सकते हैं और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उड़ा शर्मा फिर मिलता हूँ नए नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद